आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मरीज के डिलीवरी के नाम पर परिजनों से घूस लेने के वायरल वीडियो पर महिला डॉक्टर पर तो हुई तत्काल कार्रवाई, लेकिन उसी वायरल वीडियो में घूस की रकम लेने में सहयोग देने वाले ओटी स्टाफ पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बुधवार को की कार्रवाई। कहा, सेवा प्रदाता कंपनी को बर्खास्तगी के लिए लिखा पत्र, जल्द होगी उसकी सेवा समाप्त। टप्पेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आमजन को किया आगाह। कहा, पुलिस बिना वर्दी के नहीं करती किसी की चेकिंग, संदेह होने पर तत्काल दे पुलिस को सूचना। टप्पेबाजों पर गैंगस्टर जैसे धाराओं में निरुद्ध करते हुए होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। औद्योगिक विकास की उर्वर भूमि ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गीडा बनेगा दक्षिणांचल का उसर। सैटेलाइट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होगी धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। 8385 एकड़ क्षेत्रफल में बसेगी टाउनशिप। मास्टर प्लान व अंतरिम रिपोर्ट तैयार। दक्षिणांचल के राम जानकी मार्ग को भी रोजगार के अवसरों से जोड़ेगी योगी सरकार। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत झगड़ा थाने के अपराधियों विशाल चौहान, सूरज गौड़ और मुकुल यादव की संपत्ति तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी के नेतृत्व में की गई कुर्क। वाहनों व सीज किए गए मकान की कीमत 42 लाख रुपए से अधिक। अंग्रेजी उपनिवेश से भारत को मिली स्वतंत्रता वह वास्तविक नहीं बल्कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच कुछ शर्तों के साथ हुआ है सत्ता का हस्तांतरण। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन अवसर पर बोले मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहा, जो संस्थाएं सत्य को छिपाती हैं, सत्य बोलने का साहस नहीं करती हैं, वह स्वतः हो जाती है नष्ट। जिलाधिकारी ने लंपी बीमारी से बचाव की पूरी व्यवस्था रखने के मद्देनजर जनपद की गौशालाओं का अधिकारियों से करवाया निरीक्षण। गौशालाओं पर सभी व्यवस्था को सही रखने के दिए निर्देश। और वृद्धा विधवा व दिव्यांग पेंशन धारकों को केवाईसी करवाना होगा जरूरी। महापौर ने पार्षदों और अधिकारियों संग बैठक कर सभी वार्डों के लाभार्थियों का लिस्ट जारी कर सभी पात्रों का केवाईसी करवाने पर दिया जोर। कहा, अब केवाईसी होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजेगा समाज कल्याण विभाग।